जय हिंद मेरे सभी SSCGD के साथियों को। आज हम कुछ विशेष बात चर्चा करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ये वीडियो सुनने वाला ही है। और हम इसमें यही चर्चा करेंगे कि इस बार का कंपटीशन क्या रहने वाला है पिछले साल के हिसाब से, और क्या सीट बढ़ेगा। मतलब अभी आप जो देख रहे हैं 25,271 वैकेंसी, इसमें कुछ इजाफा होगा, और पिछले साल क्या घटना हुआ था वो भी बताएंगे। और 25,271 में आपको अगर अपना एक सीट लेना है तो क्या करना होगा वो भी आपको बताएंगे। तो सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, हम आपको आज तक जितना भी बात बोले, सबका आधार जो है सच्चाई है। मोटिवेशन अलग स्थान पर है, सच्चाई अलग स्थान पर है। अगर हम आपको बोल दें कि वाह बहुत सुंदर, आपका जो है नौकरी हो जाएगा, आप अगले साल बहुत अच्छा नौकरी कीजिएगा, BSF में, CISF में, आपका घर में खुशहालियाँ होगी, ये सब बोल दें तो आपके मन में कितना खुशी होगा। आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा बात है सर, अच्छा मोटिवेशन दिए। लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है ही नहीं। अगर हम आपको ये बताने लगे कि पढ़ते हो घर में, कितना देर बैठते हो पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से हो जाएगा, ये बात अगर हम आपको बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको बुरा लगे या आपके बाप को बुरा लगे उससे हमको कोई टेंशन नहीं है, जो सच है वो हम बताते हैं। अभी हम देख रहे थे, कोई हमको वीडियो भेजा था, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, और काफ़ी स्टूडेंट उनके पास SSCGD का तैयारी करते हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो बता रहे थे कि 50,00,000 फॉर्म गिरा है, कंपटीशन बहुत कम है। वो पहले ही बता दिए कि जो है मात्र 2 बच्चा एक सीट पर है। हमको बड़ा आश्चर्य लगा सुन के कि ठीक है, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन सच्चाई भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है कि कंपटीशन बहुत कम है, और आप लोग ऐसा ढिला रहे हैं पढ़ने लिखने में कि हो जाएगा मेरा तो हो ही जाएगा, तो आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ बन रहे हैं। हम आपका आँख खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपटीशन कब होता है, कम पता है, कोई भी कंपटीशन कम तभी होता है जब सीट अधिक रहे। और ये तो आपको पता नहीं कि फॉर्म कितना गिरा है, फिर भी अंदाज लगा रहे हैं कि 70,00,000 प्लस फॉर्म है ना। लेकिन कंपटीशन कम होने का एक ही कारण हो सकता था कि सीट अधिक रहे, लेकिन सीट तो इस बार कम है। पिछले बार के बहुत सारे स्टूडेंट हमसे अभी तक गुस्साए हैं, 2018 वाले, अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर पिछले साल आप बोले थे ऐसे होगा, ऐसे नहीं हुआ, जबकि 99% बात मेरा सही था। हम सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम फालतू स्टूडेंट को क्यों सुनाएंगे ये सब बात। 99% बात मेरा सही था कि वैकेंसी कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, सब कुछ बताए थे। इस बार भी बता रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगा, और कुछ नज़दीक आने दीजिए दिन, उसके बाद और क्लियर कर देंगे कि कितना वैकेंसी बढ़ेगा, किस पोस्ट में बढ़ेगा, ठीक है। और एग्जाम डेट पर तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा विवाद में हमको आप लोग फंसा देंगे। अभी नहीं बोलेंगे, एग्जाम डेट नज़दीक आने दीजिए, उसके बाद बताते हैं, अभी इसमें कोई कमेंट ना करें। तो हमको यही आश्चर्य लगता है कि अरे आप लोग मोटिवेशन देते हैं, कुछ उसका आधार तो सच्चाई भी रहना चाहिए ना, यही हमको गुस्सा लगा। और उसके बाद हम 2018 वाले कैंडिडेट जितने भी थे, पिछले बार क्या हुआ कि वैकेंसी था 60,210 और स्टूडेंट अच्छे थे, काफ़ी स्टूडेंट थे, जबकि कट ऑफ बढ़ने का संभावना बहुत कम था, उसके बाद भी बढ़ गया, सेटिंग हो गया रीमेडिकल में। जो आपके स्टूडेंट होंगे 2018 वाले से, उनसे पूछे कि कैसे सेटिंग चला, हम खुद वर्तमान में मौजूद थे उस जगह, और मतलब हमारे BSF के डॉक्टर भी पकड़ाए हैं कुछ, तो ये सब अभी बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्टूडेंट हैं तो बता देते हैं। और जहाँ तक बात है इस बार का कंपटीशन का, तो सुन लीजिए, इस बार का कंपटीशन सही में अच्छा कंपटीशन है। अच्छा मतलब ज़बरदस्त, ये हम आपको पहले बता रहे हैं। इसमें दुखी होने वाला बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में फॉर्म सब लोग भर दिए हैं, लेकिन सब लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप ही लोग देखिए ना, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ऑल इंडिया SSCGD ग्रुप, जब इसमें क्विज चलता है तो कितना परसेंट स्टूडेंट ऑनलाइन रहते हैं, आप ही सोचिए। उसी प्रकार सबका स्थिति है, कंपटीशन है लेकिन उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब इसका क्या मतलब, भैया कंपटीशन बहुत है, अब हम नहीं कर पाएंगे, हम मतलब हम गलती से फॉर्म भर दिए, मेरा क्या होगा, इतना नंबर आ रहा है, तब तो आप पहले नर्वस हो गए। अब फौज बनने लायक हैं, जो फौजी कैंडिडेट होते हैं वो अपना पहले से माइंड मेकअप करके रखते हैं कि जो है सब जगह हम टिक सकते हैं। अपने आप को हुरमुट बना लीजिए, हुरमुट समझते हैं, गाँव देहात का भाषा है, मतलब किसी भी परिस्थिति में जीने का अपने आप को बना लीजिए उस प्रकार से। यही हम आपको बार बार कहना चाहते हैं कि अगर अभी हम आपको बोल दें कि बहुत कंपटीशन है, आप लोग नहीं कर पाइएगा, हैं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में यही बात है कि कंपटीशन है, और कटअप पिछले साल से अधिक जाएगा, इसको कोई नहीं काट सकता है,
कि 2018 से कटऑफ नीचे गिर जाए ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कितना भी अधिक सीट बढ़ेगा ना तो सीट 70,000 तो नहीं होगा जी, 70,000 तो सीट नहीं बढ़ सकता है, ये आप समझ लीजिए। कहने का तो कुछ भी हो सकता है कलयुग है, वो छोड़िए ना। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि 2 सीट पर 1 लड़का है, अभी बिना एग्जाम होने के पहले ही बता रहा है, और आप लोग खुश हो रहे हैं और इस खुशी में आप लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो बहुत आप लोग गलत कर रहे हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि अगर आपको कोई मोटिवेशन देता है तो उससे सच्चाई का आधार पूछिए कि आप किस आधार पर आप हमको ये बात बोल रहे हैं। हम भी आपको अभी बोल देते हैं, अरे भैया कोई कंपटीशन नहीं है, मात्र जो है 1 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरवे किया है, तुम लोग कहाँ हो, 1 लाख स्टूडेंट तो फॉर्म भरा है और सलाह उसमें 20,000 स्टूडेंट पढ़ता है, देखना ना 5,000 सीट खाली ही जाएगा। अगर हम ऐसा बोल दें तब आप लोग पढ़ेंगे क्या? कभी नहीं पढ़ेंगे, और बाद में आप लोग पछताएंगे और हमको ही गाली देंगे कि सर आप बोलते थे ऐसा। इसलिए हम पहले से आप लोग को सतर्क करना चाहते हैं कि कंपटीशन है, आप लोग नहीं पढ़ रहे तो क्या, आप लोग नहीं पढ़ रहे तो क्या लगता है आपको कोई नहीं पढ़ रहा है? अरे देखिए बच्चा सब बाहर में रूम ले लेकर के रह रहा है, लाइब्रेरी में अपना कोर्स, मतलब पैसा दे करके लाइब्रेरी का कोर्स लेकर के बैठ के पढ़ रहा है 10 घंटा 12 घंटा। आप लोग को लगता है हाँ मेरा 60 नंबर आ रहा है हो ही जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि घटता है, और उसके बाद भी सीट कम होने के बाद भी कंपटीशन घट जाएगा, आप ही सोचिए मन में। हाँ लेकिन एक बात ये भी आप समझिए कि आदमी ही नौकरी लेता है, कोई जानवर नहीं लेता है। अगर आपके सामने से कोई स्टूडेंट नौकरी लेता है तो समझिए वो रियल में मेहनत किया है, इसलिए वो नौकरी ले रहा है। आप नहीं किए हैं तो आप काहे चिंता कर रहे हैं? आपको अगर अभी लगता है कि मेरा नौकरी नहीं होगा तो आप झूठो का ना फॉर्म भरे जी। यही सब बात हम समझाने के लिए सब वीडियो बनाते हैं, नहीं तुमको क्या आवश्यकता है? आप लोग से इतना दिन से जुड़े हैं, मिल के रह रहे हैं कि चलिए आप लोग का सिलेक्शन होगा तो कभी मिला जुला जाएगा एक साथ, सब स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, ये और वो होगा, लेकिन आप लोग का स्थिति हम देख रहे हैं ख़राब है। कोई स्टूडेंट ऐसा है ही नहीं जो कि साला बैठ जाए उतना देर तक, आधा घंटा का क्लास कोई नहीं कर पाता है, लगने लगता है कि इतना देर हम क्लास कर लिए। और अगर सुनिए सफलता जो मिलता है ना सफल होने का, एक तो बड़ा अच्छा चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपके सर में दर्द हो रहा है या आपको सोने का मन कर रहा है, उसके बाद आप सो रहे हैं, आपको मोबाइल चलाने का मन कर रहा है आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आप सफलता की ओर नहीं जा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो देख लें और उसके बाद भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो समझ लीजिए मतलब आपका सर्विस नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, क्या समझे? इस प्रकार से अपने आप को बनाइए कि दुनिया याद रखे कि लड़का मेहनत किया था और अभी नौकरी कर रहा है, समझे कि नहीं? तुक्का वाला सिस्टम गया। तो चलिए फिर समय मिलेगा तो आप लोग से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।